तो दोस्तों है ना एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी ये डोसा मैंने बनाया है बचे हुए उबले हुए चावलों से, एकदम क्रिस्पी और बढ़िया इंस्टेंट डोसा। आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये बचे हुए चावलों का डोसा बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्वियसली बचे हुए चावल चाहिए होंगे। ये नॉर्मल चावल है, लॉन्ग ग्रेन राइस है, ये एक रात से पड़ी हुई है, तो मैंने ये एक कटोरी ली है। तो एक कटोरी चावल के लिए आपको बेसिकली मिनिमम आधा कप सूजी चाहिए होगी। देखो सूजी जो है यहाँ पर वो डोसे को सुखाएगा, बेसिकली ड्राई आउट करेगा, जिससे कि डोसा आपका क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पर आप आधे कप की बजाय 3/4 कप सूजी भी ले सकते हो, और मैंने एक्चुअल में 3/4 कप सूजी ही ली है क्योंकि डोसा क्रिस्पी अच्छा लगता है। और ध्यान देना, जितनी आप सूजी लोगे उतनी ही आपने दही लेनी है। अच्छा, एक सवाल जो सबका आएगा वो ये है कि सूजी कौन सी है, फाइन वाली है या मोटी वाली है। आप दोनों में से कोई भी सूजी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि वैसे भी हमें मिक्सर ग्राइंडर में सब कुछ ग्राइंड करना ही है, तो सबसे पहले सूजी ही ग्राइंड कर देते हैं। और मैंने मोटी वाली सूजी ली है, तो मैं सबसे पहले उसी को ग्राइंड करूंगा। तो मैंने इसको यहाँ पर मिक्सी में बहुत देर तक बहुत अच्छे से पीसा है। मेरी मोटी वाली सूजी थी, अगर आपकी पतली वाली है तब भी आपको मिक्सी में ग्राइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चाहिए। तो क्या हुआ, जब मैंने पहली बारी ग्राइंड किया तो मेरे को तब भी थोड़ी सी दरदरी लगी थी, तो मैंने और भी उसको ग्राइंड किया, और फिर जब एकदम फाइन पाउडर जैसी हो गई तभी मैंने यहाँ पर फिर जो उबले हुए चावल थे वो इंट्रोड्यूस करे हैं, और उनको भी पहले अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी यहाँ पर कोई लिक्विड मत डालना, जो चावल का लिक्विड है वो ही अभी सूजी को फुलाएगा और उसी से ही सही रिजल्ट आएगा। फिर जब अच्छे से बढ़िया सा पेस्ट बन जाए, आप ये देखो बहुत ही थिक पेस्ट है ना, अब आपने यहाँ पर दही डालनी है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक डाला है, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, लगभग आधा कप के आसपास। ज़्यादा पानी अभी मत डालना, पानी तो बाद में हम इंक्रीज बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर पानी ज़्यादा डल गया तो एडजस्ट करने में दिक्कत हो जाएगी। बस अब आप बहुत देर तक इसको बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना, बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बनना चाहिए। और ये देखो आप, डोसे का हमारा पेस्ट बन के पूरा तैयार है ना, एकदम सिंपल। अच्छा, तो अब सूजी को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर, ताकि अच्छे से फूल जाए। तब तक हम यहाँ पर अपनी गोलियाँ चलाने के लिए डोसा बनाने के लिए एक गन पाउडर बना लेते हैं, क्योंकि गन पाउडर से जल्दी इंस्टेंट डोसा बना रहे हैं तो उसमें फ्लेवर देना भी जरूरी है ना। तो मैंने एक सिंपल सा गन पाउडर बनाया है, एक मसाला बनाया है जो कि हम डोसे पे लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें ली हैं। सबसे पहले सूखी लाल मिर्चों को आप थोड़ा सा भून लेना, खाली अकेले में ही। हल्के से भुनने के बाद फिर आप यहाँ पर चना दाल डालना, उड़द दाल डालना, साथ में यहाँ पर काली मिर्च डाली है। ये है लॉन्ग ग्रेन राइस, नॉर्मल लॉन्ग ग्रेन राइस है, आप कोई भी ले सकते हो। इनको आपने रोस्ट करना है अच्छे से, पहले इनकी रोस्टिंग करना और बाकी इंग्रेडिएंट्स बाद में ही डालेंगे, नहीं तो वो फटाक से जल जाते हैं और हमारा मसाला जल जाएगा, तो वो रिस्क हम नहीं ले सकते। पहले आप इन सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेना, और फिर जब वो रोस्ट हो जाए फिर आप यहाँ पर डालना 1 चम्मच तक डेसिकेटेड कोकोनट। डेसिकेटेड कोकोनट के साथ मैंने यहाँ पर थोड़े से सेसमी सीड्स डाले हैं और थोड़ी सी ही। आप चाहो तो आप इस मसाले में कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो, बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन अब हाथ फटाफट चलाने हैं, इसको स्टर कर देना, नहीं तो मसाला जल जाएगा फटाफट एकदम। और ट्रांसफर आपने करना है इसको मिक्सी में, और मिक्सी में एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक डाला है। That's it, गन पाउडर बन के पूरा तैयार है। और सच में गन पाउडर का जो टेस्ट आता है ना, जो फ्लेवर आता है, वो बहुत ही बढ़िया लगता है डोसे में। आप एक बार इसको बना कर देखना, डोसे में डाल कर देखना, सिर्फ इसी से ही और प्याज से ही डोसा एकदम फिलिंग और बढ़िया हो जाएगा, मसाला बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर फटाफट से अब डोसे की तैयारी करते हैं। तो डोसे में फुलाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग डाला है 1/4 से लेके 1/2 टीस्पून तक बेकिंग सोडा। आप वैसे बेकिंग सोडा यहाँ पर इनो का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आप बेकिंग पाउडर की बात करो तो बेकिंग पाउडर में दोनों चीजें होती है, अल्कलाइन भी और एसिड भी, तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है, सिर्फ पानी की जरूरत होती है। तो अगर आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हो तो जितना बेकिंग सोडा कर रहे हो उससे डबल करना होता है। 1/2 टीस्पून अगर बेकिंग सोडा लिया है मैंने, तो 1 टीस्पून आपको बेकिंग पाउडर चाहिए होगा, यही रेशियो रहता है हमेशा। बस थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको अच्छे से मिला देना, और आपका डोसा बैटर तो पूरा तैयार है। तो है ना एकदम इंस्टेंट रेसिपी, स्पेशल मसाला भी बनाया है,
डोसा पकाने आ गए हैं तो डोसे की मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक्स बता देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको दोनों तवे बता दूंगा, आयरन के तवे में भी और नॉनस्टिक के तवे में भी, लेकिन इस बात का ध्यान देना कि तवा कोई भी हो सेट होना बहुत जरूरी है। और अब वो रोटी वाला तवा नहीं चलेगा, रोटी वाले तवे में बेसिकली आटे के छोटे छोटे जो कण होते हैं वो तवे के ग्रेन्स के अंदर चले जाते हैं, इसकी वजह से जो डोसा है वो आपका चिपका ही रह जाएगा, वो निकल कर नहीं आएगा। बस हमने ध्यान ये देना है कि तवे को आप एकदम हाई हीट पर रखना, एकदम गर्म करना, पहले पानी का छिड़का मारते रहना ताकि आपको पता रहे कि एकदम गर्म हो रहा है नहीं हो रहा। और जब एकदम गर्म हो जाए फिर आपने ये करना है कि आपने थोड़ा सा पानी डालना है, उससे ये होगा कि टेम्परेचर ड्रॉप होगा, पानी को आप अच्छे से फटाफट से पोंछ लेना और अब आपने डोसा फैलाना है। ये करने से होता ये है कि पानी डालने से टेम्परेचर हल्का सा ड्रॉप होता है जिससे कि तवे पे डोसा चिपकेगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर वापस हाई पर होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो डोसा अपने आप ही अपनी साइड्स छोड़ने लगेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों डोसा बनाने में, नहीं तो क्या होता है सबके डोसे चिपक जाते हैं और बाद में आप कमेंट सेक्शन में बोलते हो कि भरत भाई डोसा क्रिस्पी नहीं बना, डोसा चिपक गया या डोसा बड़ा ही सॉफ्ट बना। जनरल दिक्कत जो आती है वो यही आती है। मैंने आपको डोसा फैलाना तो पहले भी बहुत बारी बताया हुआ है, लेकिन आज एक और ट्रिक आपसे शेयर करता हूँ कि अगर आपका डोसा पकने के बाद भी ज्यादा चिपक रहा है तवे से तो वो होना बंद हो जाएगा, बस आप ये ट्रिक का इस्तेमाल करना, ये आपके बहुत काम आएगी। तब गरम गरम तवे पे आप यहाँ पर पहले एक फोक से जैसे प्याज को काट के रगड़ देना अच्छे से, इससे प्याज अपना एसिडिकनेस छोड़ेगा और हाई टेम्परेचर पर वो ऑटोमेटिकली नॉन स्टिकी बन जाएगा। बस फिर से आपने तवे का टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस करना है पानी छिड़क के। पानी छिड़कने के बाद अब आप डोसा बैटर लेना, पहले आपने सेंटर से अच्छे से फैलाना है और फिर धीरे धीरे करके, जल्दबाजी कोई नहीं है, धीरे धीरे करके आप यहाँ पर साइड्स में जाना। दैट्स इट। मैंने ऊपर से थोड़ा सा घी लगाया है, घी के साथ साथ गन पाउडर डाला है ऊपर से, और इस वाले डोसे में मैंने प्याज छिड़क दिए हैं एकदम फाइनली कटे हुए। आप इसको अब थोड़ा सा लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्प होने देना। अगर आप हाई फ्लेम पर करोगे तो डोसा एकदम क्रिस्पी नहीं बनेगा, तो अब गैस को एकदम लो कर देना, थोड़ा सा क्रिस्प बनेगा डोसा, जिससे ये देखो एजेस में कलर आने लग गया है ना डोसे के। बस इसका मतलब डोसा ऑलमोस्ट बन के पूरा तैयार है। आप बस एक स्पैचुला को दोनों साइड में अच्छे से, पहले सारी साइड्स को अच्छे से पहले निकाल लेना और फिर आपका डोसा भी आराम से निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों है ना एकदम इंस्टेंट डोसा, ये देखो आप कितना क्रिस्पी है। अच्छा बाय चांस आपके पास आयरन का तवा नहीं है और आपने नॉनस्टिक पैन में बनाना है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है नॉनस्टिक पैन में भी बनाना। सेम टेक्निक आपने अप्लाई करनी है, पहले नॉनस्टिक पैन को एकदम सुपर हाई टेम्परेचर पर, एकदम गरम गरम टेम्परेचर पर आपने लेकर जाना है। अब ये देखो पानी कैसे उछल रहा है, यही इंडिकेशन है कि टेम्परेचर बहुत हाई जा चुका है। बस डोसा फैलाने से पहले आप यहाँ पर पानी छिड़कना अगेन और साफ कर देना, एंड दैट्स इट। आपको डोसा बिल्कुल वैसे ही फैलाना है, बिल्कुल वैसे ही करना सब कुछ, लेकिन फैलाने के बाद गैस को आप एकदम लो फ्लेम पर कर देना जिससे कि डोसा चिपका रहे और एकदम क्रिस्पी निकल कर आए। और हाँ क्रिस्पीनेस की बात करें तो इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है, मुझे घी बहुत अच्छा लगता है डोसे में, आप चाहो तो आप तेल भी डाल सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। देन अगेन गन पाउडर एंड थोड़ा सा प्याज और बस ये वाला डोसा भी आप देखो कितना बढ़िया कलर आया है निकल के, है ना क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम डोसा। अच्छा दोस्तों ये तो हो गई डोसे की बात, और बचे हुए चावलों से आप बढ़िया सा डोसा बहुत आराम से बना लोगे और इसमें कोई कमी नहीं होगी, बिल्कुल आपका डोसा जैसा ही लगेगा। लेकिन इसके साथ एक इंस्टेंट सी चटनी भी होनी चाहिए ना साथ में, तो आप ये चटनी देखो। करना कुछ नहीं है, सीधा हमने मिक्सर ग्राइंडर में डालना है ये सारी चीजें काट के और इसका पेस्ट बना देना है, बस एकदम फाइन पेस्ट। अब पीसते हुए टमाटर तो आ गए तो टमाटर के साथ नमक भी तो आना चाहिए ना, तो आप यहाँ पर पीसते हुए नमक भी डाल देना इस टाइम पे। पर अब जो असली ट्विस्ट है वो तो यहाँ पर आता है, तो आपने बिल्कुल साउथ इंडियन टाइप चटनी बनानी है और एक सीक्रेट ट्रिक भी है वो भी आपको बताता हूँ। बस आप थोड़ा सा तेल डालना अपने पैन में और तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए, गर्म गर्म तेल में आपने थोड़े से मस्टर्ड सीड्स डालने हैं, थोड़ी सी मैंने धुली उड़द की दाल डाली है स्प्लिट वाली है इसमें, साथ में थोड़ी सी चना दाल, करी पत्ता तो जरूर डालना अगर आपके पास पड़ा होगा, और इसको हल्का सा रोस्ट करना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे ये सारी चीजें गर्म गर्म तेल में डालनी चाहिए। बस फिर क्या, आप यहाँ पर जो हमने ग्राइंड करके रखा था मसाला वो यहाँ पर डाल देना और अब बस इस मसाले को पकाना है।
और हमारी चटनी बनके पूरी तैयार हो जाएगी। लेकिन एक चीज है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेवर इन्हांस करने के लिए 1 टीस्पून के आसपास सोया सॉस डाली है। रेस्टोरेंट में बहुत करा जाता है ये, मतलब साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में होके भी ऐसे करा जाता है बिल्कुल, और इससे सच में चटनी का टेस्ट बहुत एलिवेट होता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप ट्राई कर सकते हो, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा क्योंकि ऑब्वियसली आपका किचन आपका राज है ना, लेकिन सच में ये फ्लेवर एनहांसर तो बिल्कुल है। तो दोस्तों चटनी बन के पूरी तैयार है, 5-10 मिनट में बन जाती है चटनी भी, हाफ रिड्यूस हो चुकी है और अब सीधा सर्व करना है हमें डोसे को चटनी के साथ। डोसे में भी फ्लेवर है, चटनी मैंने यहाँ पर एक और बना कर रखी है, नारियल की चटनी। आप बिल्कुल अपने पसंद की सेटिंग कर सकते हो, जैसे आपको पसंद आए। आपके इजी डोसा, हेल्दी डोसा बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा।